बहुत आज के टॉपिक होने जा रहा है वो है रिच लोग रिच होते जा रहा है, गरीब लोग और गरीब होते जा रहा है, व्हाट इज दिस रीजन। सबसे पहले हम देखते हैं पूरा भारत में कितने परसेंट अमीर लोग हैं। भारत मुताबिक का टाइम 2020 में अमीर लोगों की संख्या थी 12,287 और अब बढ़कर हुआ है 13,637 और गरीब लोगों की संख्या है 26,96,00,000। और अब देखते हैं अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनको और अमीर बनाता है। फर्स्ट, अमीर लोग दिखावे के लिए पैसा वेस्ट नहीं करते हैं, अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। सेकंड, अमीर लोगों का थिंकिंग पॉजिटिव होता है। थर्ड, अमीर लोग गर्दन के ऊपर वाला हिस्से से इनकम करता है। फोर्थ, अमीर लोग पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो वगैरह वगैरह में। फिफ्थ, अमीर लोग खुद पर इन्वेस्ट करते हैं नया नया स्किल सीखने के लिए, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और आप देखते हैं गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनको और गरीब बनाता है। फर्स्ट, गरीब लोग टाइम को वेस्ट करते हैं और ये लोग बहुत ही लेजीनेस होता है। सेकंड, गरीब लोग रिस्क लेने में डरता है। थर्ड, गरीब लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाता है। फोर्थ, गरीब लोग दिखावे ज्यादा करता है और जो अर्न करता है वो सब ईएमआई में डाल देता है। और ये रहा गरीब और अमीरों का फर्क। अमीर लोग ये सोचता है आज मैं जो काम शुरू कर रहा हूँ 5 साल या फिर 10 साल बाद क्या रिजल्ट मिलेगा। सेम टू सेम गरीब भी यही सोचता है, सिर्फ उनका सोचने का तरीका कुछ अलग है। वो सोचता है आज मैं जो काम शुरू कर रहा हूँ आज क्या मिलेगा। बस यही है गरीब का थिंकिंग डिफरेंस जो उनको और गरीब बनाता है। बॉस एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये दोस्त की कहानी है और ये सच्ची घटना पर आधारित है। दो दोस्त थी, दोनों दोस्त बेरोजगार थी। एक दिन एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखा, एक तालाब से गांव की घर घर पानी पहुंचाना है, पर बाल्टी 5 रुपए मिलेगा। और दोनों दोस्त अगले दिन उस गांव में काम को लेकर बातचीत करने के लिए चला गया और फाइनली उन दोनों को काम मिल भी गया। और दोनों की काम करने का तरीका ही बहुत ही अच्छा था और अच्छी खासी इनकम भी आ रहा था। दोनों दोस्त की लाइफ पूरा सेट हो गया और ये दोनों दोस्त की इनकम की सोर्स इसी लाइन से शुरू होता है। एक दिन फर्स्ट बंदा दूसरे बंदे से कहता है हम जो काम कर रहे हैं ये काम सही नहीं है। और दूसरे बंदा फर्स्ट बंदे से कहता है कि हम दोनों का जिंदगी तो पूरा सेट है और तू क्या बकवास कर रहा है। और तभी फर्स्ट बंदा कहता है हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, हमें कुछ अलग करना है। एक दिन मैं काम पर नहीं गया तो मेरे पास पैसे कैसे आएगा, एक दिन मेरा पैर टूट जाएगा तो मेरे पास पैसे कैसे आएगा, 70 साल के बाद जब मैं बेड पर रहूंगा तब मेरे पास पैसे कैसे आएगा, मुझे एक्टिव इनकम नहीं मुझे पैसे भी इनकम चाहिए। और ये सब बातें सुनकर दूसरी बंदा चौंक गया। तब उन्होंने कहा तुझे अभी क्या करना चाहिए। और तभी उन्होंने कहा मुझे अभी पाइपलाइन बिल करना पड़ेगा, हर घर में पानी का टैंक रहेगा, जैसे उन्होंने नॉब ओपन करेगा वैसे हाथ में पानी आएगा। और तभी दूसरे बंदा फर्स्ट बंदा से कहता है ये सब करने में तो बहुत पैसा चाहिए, अभी मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। और ये बोलकर वो वहां से चला गया। और दोस्त की ये बातें सुनकर ये बंदा बहुत ही प्रेस में पड़ गया और ये बंदा इस बिजनेस प्लान को लेकर बहुत ही चिंता करने लगा, इस बिजनेस प्लान को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए। दोस्त कहता है ना कुछ चीज अगर तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर वो बंदा गांव के प्रति घर में गया और एक एक को उनका बिजनेस प्रॉपरली समझाया और उन लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया और उनका बिजनेस प्लान हकीकत में उतर दिया। फिर भी ये पाइपलाइन का काम खत्म होने में 6 महीने लगेगा और ये फर्स्ट बंदे के पास 6 महीने तक पॉकेट मनी भी नहीं था। और इसी 6 महीने में दूसरे बंदे के पास बहुत कुछ हो गया, घर बन गया, घर के पास गाड़ी आ गया और शादी भी कर ली। और ठीक इस कहानी के 2 साल बाद जब इन दोनों का नेटवर्क चेक किया गया तब देखा गया कि दूसरे बंदे से पहला बंदा बहुत ही अमीर बन गया और ये सेकंड बंदा जैसा गरीब था गरीब ही रह गया। बस ये होता है रिच थिंकिंग हैबिट मेक ए रिच, पुअर थिंकिंग हैबिट मेक ए पुअर।